कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, समर शुरू हो चुके हैं और समर वेकेशन भी शुरू हो चुके हैं, हमारे हो चुके हैं शुरू, कुछ बच्चों के होने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं और हम लोग को हमारी पहली वेकेशन 1 जून को थी और अब हम लोगों ने जाना है जी 1 अगस्त को स्कूल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि समर आ चुका है और ईद भी हमारी समर में ही गुजरी है और हम सब ने जो भी कपड़े वेयर किए थे ईद वाले दिन थे वो रेडीमेड, लेकिन वो जो कपड़ा था वो समर में पहनने वाला था, यानी बारीक कपड़ा था। तो इस अब आज के मेरी वीडियो इसके ऊपर ही है। हम लोगों ने ईद से पहले जो है वो टेलर को दिए थे कपड़े स्टिच करवाने के लिए, लेकिन उनके पास कपड़ों का बहुत ज़्यादा ढेर था तो वो नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा था कि मैं जो अनशरा आम रूटीन में कपड़े पहनती हूँ वो मैं इतनी जल्दी स्टिच करके नहीं दे सकती आप लोगों को, मैं आप लोगों को ईद के बाद दे दूँगी। तो मम्मा ने ओके कह दिया था, ठीक है आप ईद के बाद दे दीजिएगा। तो उन्होंने ईद के बाद दिए, कुछ जो है वो भी स्टिच होके आ चुके हैं, कुछ रह गए हैं। तो मेरी वीडियो काफ़ी जो है ना वो लेट होती जा रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं तो अभी कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं करी, मैंने कहा जो आए हैं मैं उनके ऊपर ही कर लूँगी, जो नहीं आए ठीक है मैं बाद में जो मैं अपनी वीडियोज़ में जब वेयर करूँगी उनको तब आप लोग उनको देख लीजिएगा और उसी वीडियो में आप लोगों को उसकी डिटेल भी दे दूँगी। तो आज का मेरा वीडियो मेरी समर कलेक्शन के ऊपर ही है। तो ये है जी मेरे ड्रेसेस। अगर आप लोगों को मेरे ड्रेसेस के डिज़ाइन अच्छे लगते हैं, मुझे तो अच्छे लगे क्योंकि मेरी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो मेरे चैनल को देखती हैं और मेरी उन लोगों को मेरे समर के जो है वो कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से अगर आप लोगों को डिज़ाइन चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके देख सकते, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। तो आइए मैं आप लोगों को अपने ड्रेसेस दिखाती हूँ। ये ऊपर 2 ड्रेसेस जो हैं ये आप लोगों ने मुझे मेरे ईद के ब्लॉग में पहनते हुए देखा होगा येलो, और ये जो है मेरा ड्रेस है अच्छा लगा, और इसका डिजाइन भी मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और ये है मेरा वो ड्रेस जो आप लोगों ने मेरी वीडियो में पहनते हुए देखा था। सो ये तो आप लोगों ने देखा, लेकिन मैं फिर भी एक बार आप लोगों को दिखा दूं। ये 2 से 3 मरतबा मैं पहन चुकी हूँ अपनी वीडियो में, मतलब ये अब आम हो चुका है मेरे लिए जो मैं मतलब पहन लूँ आम रूटीन में। और मैं आप लोगों को इनको 1 by 1 पहन के दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को इन ड्रेस में से मेरे कौन सा ड्रेस अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे तो मेरा पिंक कलर ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अगर आपको भी अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चले भी मैं आप लोगों को एक एक करके बारी बारी ये सारे ड्रेसेस वेयर करके दिखाती। तो ये है जी मेरा 1st ड्रेस पिंक कलर का, उसमें जो है वो थोड़ा बहुत टच है व्हाइट एंड ब्लैक का। इस ड्रेस में जो आंटी ने बनाया जी हाफ कोट, और उसके ऊपर आंटी ने लगाई है व्हाइट कलर की लेस, एंड देन उसके बाद जो है वो बैन है उसके बाद सॉरी उसके बाद ये बैन है, उसके ऊपर आंटी ने व्हाइट कलर के बटन्स लगाए हुए हैं। और उस इस ड्रेस की सबसे जो प्यारी चीज़ है जो मुझे अच्छी लगी है वो है जिसकी डोरी, ये टोटली हैंडमेड है, एंड ये जो है ये ट्राउज़र है। तो ये है जी मेरा ट्राउज़र, कुछ जो है वो कैप्री पहनना पसंद करते हैं, कुछ प्लाजो पहनना पसंद करते हैं, लेकिन ना मैं ज़्यादा खुला प्लाजो पहन सकती हूँ और ना ही मैं टाइट कैप्री पहन सकती हूँ, क्योंकि मुझसे दोनों ही कैरी नहीं होती, एक गर्मी की वजह से और दूसरी वैसे ही मैं उन लोगों को कैरी नहीं कर सकती हूँ। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप चाहे तो इसके साथ लोकल प्लाजो पहन सकते हैं, आप कैप्री सॉरी पहन सकते हैं, या फिर आप लोगों के साथ ही कैप्री पहन सकते हैं, प्लाजो पहन सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मुझे तो ऐसी साइज़ के जो है वो ट्राउज़र वगैरह अच्छे लगते हैं। और आए भी अब हम लोग 2nd ड्रेस की तरफ चलते हैं। तो ये है जी मेरा 2nd ड्रेस, ये बहुत ही सिंपल है और
तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल ड्रेस है, इसका प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। माशाल्लाह मेरे हर जितने भी ड्रेसेस स्टिच हो गए हैं उनका प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये सिंपल ये है कि ये खाली इसके ऊपर प्लेटें जो है वो डली हुई है, और इसके साथ मेरा ट्राउजर प्लेट होता है, प्लेटें नहीं होता, प्लेट ठीक है, तो प्लेट डली हुई है इसके ऊपर। और इसकी एक मजे की बात ये है कि मैं इसको ऐसे भी वेयर कर सकती हूँ, और इसको ये है जी मेरा हाफ कोट, जो पिछले ड्रेस में मेरा जो था वो साफ स्टिच हुआ था, लेकिन ये जो है वो अलहदा स्टिच हुआ। मैं आप लोगों को वेयर करके देती हूँ, तो ये है जी मेरा हाफ कोट। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मैं विदाउट हाफ कोट अच्छी लग रही हूँ ऐसे सिंपल ड्रेस में कि विद हाफ कोट। सो ये है जिसकी डोरी, और वो मुझे बंद करनी नहीं आती है, इसको जस्ट ऐसे ही कर लेते हैं। सो आप लोगों को फिर ये वाला ड्रेस कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और तो फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लोग थर्ड ड्रेस की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को अभी तक वीडियो मजेदार लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं थर्ड ड्रेस की तरफ। तो फ्रेंड्स ये है जी मेरा थर्ड डे, आई एम सो सॉरी, थर्ड ड्रेस जो कि येलो कलर का है, और इसके साथ भी ट्राउजर है जो कि सिंपल है, इसके ऊपर कोई लेस वगैरह नहीं लगी हुई है, सिंपल ट्राउजर है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थोड़े छोटे छोटे अंदर मिरर्स लगे हुए हैं, और लेस है ब्लैक कलर की, बहुत अच्छी तरीके से आंटी ने इसको कवर किया हुआ है। और यहाँ पर भी प्यारी सी डोरी लगी हुई है, ये आप देखें ये इकट्ठी करके उन्होंने दिखाई हुई है। तो इनके जो है वो स्लीव्स के ऊपर भी छोटे छोटे आंटी ने मिरर लगा के लेस लगाई हुई है, और ये शायद मैंने ईद के सेकंड डे या फिर थर्ड डे वेयर किया था, मुझे याद नहीं है। और मैंने इसका व्लॉग इसलिए शूट नहीं कर पाई क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी आपकी बहन थोड़ी मतलब नई नई ब्लॉगर है, तो इस वजह से अभी थोड़े बहुत इश्यूज हैं जो मुझे अभी कुछ चीज़ों का नहीं पता। कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द मुझे उन चीज़ों का पता चल जाए, और आप लोग भी दुआ कीजिए कि मैं मुझे जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें समझ आ जाए, मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे ब्लॉग ला पाऊँ। और ये बहन जी मेरा थर्ड ड्रेस, आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चले जी अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ ड्रेस की तरफ। तो ये है जी मेरा फोर्थ ड्रेस जो कि ऑरेंज, इसमें काफ़ी कलर का जो है वो टच है, और इसके साथ ही मेरा सिंपल ट्राउज़र है, उसके ऊपर जो है वो अलग अलग कलर्स की डिजाइन लाइंस हुई है ऊपर, उसका प्रिंट भी अच्छा है। और ये आंटी ने जो है वो लेस से डिजाइनिंग की हुई है, ऑरेंज कलर की लेस है, और इसमें ऑरेंज इसलिए ज़्यादा क्योंकि इसमें भी प्रोमिनेंट है, और ऑरेंज ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है इसमें। और इसके स्लीव्स के ऊपर भी आंटी ने गोल्डन कलर का थोड़ा सा टच दिया हुआ है, और ऑरेंज कलर की लेस से डिज़ाइनिंग की हुई है, और इसके गले के ऊपर भी देखें डिज़ाइनिंग की हुई है ऑरेंज लेस से। और ये है जी मेरा सिंपल सा फोर्थ ड्रेस। आप लोगों को मेरी ये वाला ड्रेस कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं फिफ्थ ड्रेस की तरफ। तो ये है जी मेरा फिफ्थ एंड लास्ट ड्रेस जो कि ग्रीन कलर का है, ये है इसके साथ ट्राउज़र जिसके ऊपर लेस से डिज़ाइनिंग की गई है, सॉरी लेस से डिज़ाइनिंग की गई है। और ये जो इसके बाजू हैं इसे कहते हैं फूल बाजू, ये मैंने आंटी से सुना था, और मुझे नहीं पता इनको क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इन्हें क्या कहते हैं। और तो ये कफ के ऊपर भी आंटी ने जो है वो लेस से डिज़ाइनिंग की हुई है, यहाँ पर आंटी ने एक स्टोन भी लगाया हुआ है। और ये जो है आंटी ने थोड़ी सी इसकी भी प्लेट जो है वो बनाई हुई है, चुनट है ये, चुनट कहते हैं। और यहाँ पर आंटी ने स्टोन्स लगाए हुए हैं। तो ये था जी मेरा फिफ्थ एंड लास्ट ड्रेस। आपको मेरे बाकी के ड्रेस और ये वाला ड्रेस कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स मुझे आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो थैंक यू उसके लिए। और
लोगों को आज की वीडियो मेरी कैसी लगी, आज का व्लॉग यहीं तक एंड होता है, और आप लोगों को मेरी समर कलेक्शन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें, और मैं जो भी कभी कभार बोल जाती हूँ उसको इग्नोर करते हुए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो खैर आज का व्लॉग खत्म होता है, मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।